Hello everyone, welcome back to Times Drive. I'm your host and host Ankur Taneja, and finally aaj Volkswagen ne apni nayi SUV W Volkswagen Taigun ke sare details announce kar diye hain. Price kya hai wo aapko batayenge is Taigun ka, and sath hi sath variant wise specially base variant mein aapko isme kya dekhne ko nahi milta hai uski baat karenge, and fuel efficiency figures kya Volkswagen is Taigun की क्लेम करी है वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में. चलिए शुरुआत करते हैं. अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, क्या प्राइस Volkswagen ने इस Taigun का रखा है. तो शुरुआती वेरिएंट जो है वो अब इसका ट्रेंड लाइन की बजाय कंफर्ट लाइन वेरिएंट है, जो कि इसके 1 लीटर TSI इंजन के साथ आपको देखने को मिलता है, एंड उसका स्टार्टिंग प्राइस है 10.49 लाख 900 या 10.5 लाख, जो कि हम पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे. वही प्राइस इसका स्टार्टिंग वेरिएंट का Volkswagen ने रखा है, जो कि सिर्फ आपको मैनुअल ऑप्शन में देखने को मिलेगा. फिर इसके बाद आता है हाई लाइन, जिसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिलेगा. मैनुअल का प्राइस है 12.80 लाख एंड ऑटोमेटिक का प्राइस है 14.10 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम. फिर अगर इसमें ट्रेंड लाइन का वेरियंट जो Volkswagen ने इसमें डिसकंटिन्यू किया है, उसके अलावा एक टॉप ऑफ द लाइन नया वेरिएंट जो कि टॉप लाइन वेरिएंट है, वो आपको इस 1 लीटर TSI इंजन के साथ देखने को मिलेगा. उसमें भी मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन है. मैनुअल का प्राइस है 14.57 लाख रुपीज़ एंड ऑटोमेटिक का प्राइस है टॉप लाइन में 15.91 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस. इसके अलावा फिर जो 1.5 लीटर TSI इंजन है, उसमें आपको GT और GT प्लस का ऑप्शन मिलेगा. GT प्लस का जो प्राइस है मैनुअल में वो है 15 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, एंड GT प्लस जो है जो DSG गियरबॉक्स के साथ देखने को मिलेगा, उसका प्राइस है 17.50 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम. ये GT प्लस टॉप ऑफ द लाइन यानी सबसे टॉप वेरिएंट इस Volkswagen की Taigun का आपको देखने को मिलेगा. सो फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स की बात करें तो जो 6 स्पीड का मैनुअल 1 लीटर इंजन है वो आपको माइलेज देगा 18.10 km/L की, एंड जो 6 स्पीड का ऑटोमेटिक वेरिएंट है 1 लीटर TSI में, वो 16.44 km/L की माइलेज देगा. इसके बाद आता है 1.5 लीटर TSI में जो 6 स्पीड मैनुअल है, उसकी माइलेज है 18.47 km/L. देन 7 स्पीड DSG विद 1.5 लीटर TSI विल गिव यू 17.88 km/L. ये ऑफिशियल क्लेम फिगर्स हैं. जो ऑन ग्राउंड फिगर्स होंगे रियल वर्ल्ड में, वो थोड़े डिफरेंस हो सकते हैं उनमें, बट फाइनली ये ऑफिशियल फिगर्स माइलेज के भी ये Volkswagen ने इस Taigun के अनाउंस करे हैं. अब एक्सटीरियर और फीचर्स के हिसाब से बेस वेरिएंट में आपको इस Taigun में क्या देखने को नहीं मिलेगा वो आपको बताते हैं. सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो जो इसमें आपको ग्रिल दी गई है, 3D स्ट्रिप ग्रिल दी गई है, वो आपको बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगी. क्रोम स्ट्रिप ग्रिल है, एंड जो लोअर में आपको क्रोम स्ट्रिप ग्रिल दिख रही है वो भी आपको बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगी. इसके अलावा LED हेडलैम्प्स वो आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, एंड वो आपको इसका जो हाईलाइन वेरिएंट है 1 लीटर TSI का, उसमें भी LED हेडलैम्प्स विद LED DRL आपको देखने को नहीं मिलेंगे. GT वेरिएंट जो है 1.5 लीटर का स्टार्टिंग वेरिएंट जो है GT, उसमें भी LED हेडलैम्प्स विद LED DRL आपको देखने को नहीं मिलेंगे. इसके अलावा फंक्शनल रूफ रेल आपको सिल्वर मिलेगी बाकी सब वेरिएंट में, लेकिन जो स्टार्टिंग वेरिएंट है कंफर्ट लाइन, उसमें आपको ब्लैक फिनिश में आपको ये रूफ रेल देखने को इसमें मिलने वाली है. व्हील्स की बात करें तो व्हील्स हैं स्टार्टिंग वेरिएंट में 16 इंचेस के स्टील व्हील्स हैं कवर के साथ. देन इसके बाद जो है कंफर्ट लाइन वेरिएंट के बाद जो आता है हाई लाइन वेरिएंट, उसमें आपको जो व्हील्स मिलते हैं वो भी 16 इंच के मिलते हैं, बट एलॉय व्हील्स उसमें आपको हाई लाइन वेरिएंट में देखने को मिलेंगे. इसके अलावा जो बाकी वेरिएंट्स हैं उनमें आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स डिफरेंट पैटर्न के हिसाब से देखने को मिलेंगे. हर वेरिएंट में अलग पैटर्न Volkswagen इस Taigun में ऑफर कर रही है. ड्यूअल टोन एक्सटीरियर विद कार्बन स्टील रूफ सिर्फ आपको इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट GT प्लस 1.5 TSI में देखने को मिलेगा. अब इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आपको जो सैटिन और ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स हैं वो आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, वो आपको इसके कंफर्ट लाइन वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेंगे. जो कि हाई लाइन वेरिएंट है वो इसमें आपको ये वाला पैटर्न सैटिन और ग्लॉसी ब्लैक का इसके इंसर्ट्स में इंटीरियर में देखने को मिलेगा. इसके अलावा एक और इंटीरियर का पैटर्न है जो आपको इसके टॉप लाइन वेरिएंट में देखने को मिलेगा. देन जो 1.5 TSI का वेरिएंट है उसमें आपको डार्क रेड ग्लॉसी और कार्बन पैटर्न डेकोर देखने को मिलेगा, जो कि इसके 1.5 वाले वेरिएंट्स में ही सिर्फ अवेलेबल होगा. रियर एसी वेंट्स सभी वेरिएंट्स में हैं,
क्रोम एक्सेंट्स ऑन एयर वेंट स्लाइडर जो है, जिससे आप एसी को लेफ्ट राइट कर सकते हैं उसके वेंट को, उसमें आपको क्रोम का एक्सेंट सब में देखने को मिलेगा। लेकिन जो वेंट के फ्रेम हैं वो आपको क्रोम में बेस वेरिएंट इसका जो है कंफर्ट लाइन उसमें नहीं मिलेगा, बाकी सब वेरिएंट में क्रोम एलिमेंट आपको इसके सराउंडिंग्स में एसी वेंट के देखने को मिलेगा। फैब्रिक अपोल्स्ट्री बेस और हाईलाइन वेरिएंट में मिलेगी, कंफर्ट लाइन हाईलाइन में है। उसके अलावा लेदरवेट अपोल्स्ट्री इसके टॉप लाइन वेरिएंट 1 लीटर के में देखने को मिलेगी। देन देर इज़ अनदर लेदर एंड फैब्रिक कॉम्बिनेशन जो जीटी और जीटी प्लस में दिया गया है। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स आपको रियर बेंच जो 100% फोल्डेबल है वो सिर्फ बेस वेरिएंट में मिलेगी, जो कि एक अच्छी बात है, बाकी वेरिएंट्स में नहीं मिलती है। इसके अलावा जो फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट है, स्लाइडिंग विद स्टोरेज बॉक्स सब में दिया गया है। वाइट एम्बिएंट लाइट का एक ऑप्शन है जो कि बेस वेरिएंट में नहीं है, बेस के बजाय हाई लाइन, टॉप लाइन, जीटी, जीटी प्लस सभी वेरिएंट में वाइट एम्बिएंट लाइट का ऑप्शन है। एम्बिएंट लाइट पैकेज हालांकि सब में है, बट एक वाइट एम्बिएंट लाइट का ऑप्शन जो डैशबोर्ड में है वो सिर्फ आपको कंफर्ट लाइन के अलावा बाकी सभी वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है। रियर पार्सल ट्रे बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। देन बात करें सेफ्टी फीचर्स की, तो जो फ्रंट साइड एयर बैग्स हैं ऑब्वियसली वो आपको कंफर्ट लाइन और हाईलाइन में नहीं मिलते हैं। हिल स्टार्ट असिस्ट बेस वेरिएंट में नहीं है, ऑटोमेटिक में हाईलाइन के वेरिएंट में है, उसके अलावा बाकी सभी वेरिएंट में हिल स्टार्ट असिस्ट दिया गया है। टायर प्रेशर डिफ्लेशन वार्निंग कंफर्ट लाइन और हाईलाइन में नहीं है, उसके अलावा टॉप लाइन और जीटी प्लस में दी गई है, और जीटी वेरिएंट में भी आपको ये टायर प्रेशर डिफ्लेशन वार्निंग नहीं देखने को मिलती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा बेस वेरिएंट में नहीं है, सिर्फ आपको उसमें सेंसर्स देखने को मिलेंगे। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी बेस वेरिएंट में नहीं है, बाकी सभी वेरिएंट्स में अवेलेबल वो होगी। ड्राइवर साइड विंडो में आपको ऑटोमेटिक अप डाउन के बटन्स भी बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलने वाले हैं। ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर जो है वो आपको सिर्फ इसके टॉप लाइन और जीटी प्लस वेरिएंट में देखने को मिलेगा, वो बाकी वेरिएंट्स में नहीं है। फॉग लैंप्स जो हैं वो बेस में भी नहीं है, एंड उसके अलावा बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे। रियर वाइपर वॉशर है, बेस में नहीं है। रेन एंड लाइट सेंसर बेस वेरिएंट में नहीं दिया गया है, एंड जो उसका हाईलाइन वेरिएंट है 1 लीटर का, उसमें भी आपको ये रेन एंड लाइट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट बेस वेरिएंट में है, उसके अलावा बाकी सभी जो वेरिएंट हैं उनमें आपको 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। 6 स्पीकर सभी वेरिएंट में हैं। वायर्ड जो है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सभी वेरिएंट में है, लेकिन वायरलेस जो है बेस के अलावा बाकी सभी वेरिएंट जो 1 लीटर 1.5 के सभी वेरिएंट में देखने को मिलेगा, सिर्फ कंफर्ट लाइन वेरिएंट में ये नहीं दिया गया है। वायरलेस मोबाइल चार्जिंग बेस में नहीं है, बाकी सब में है। शार्क फिन एंटीना और वैले मोड बेस के अलावा बाकी सभी वेरिएंट में हैं। देन जो इसमें इनबिल्ट ऐप्स हैं, साइजिक नेविगेशन, गाना, booking.com, ऑडियो बुक्स, वो भी बेस के अलावा बाकी सभी वेरिएंट में दी गई है। देन देर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स फीचर्स जो बेस में नहीं है, बाकी सभी वेरिएंट में हैं, एंड बेस के अलावा कुछ वेरिएंट में नहीं है, दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। तो ये कुछ फाइनल डिटेल्स हैं जो फाइनली Volkswagen ने आज इस टाइगन के लॉन्च के दौरान अनाउंस कर दी हैं। प्राइस स्टार्ट हो रहा है 10.5 लाख ex-showroom से, जाता है 17.5 लाख फॉर दी टॉप जीटी प्लस वेरिएंट 1.5 TSI में जो अवेलेबल है। एंड ये कुछ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट भी आपको इस Volkswagen की टाइगन में देखने को मिलने वाले हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा डू टेल अस इन कमेंट सेक्शन। Volkswagen टाइगन की प्राइसिंग कैसी लगी वो भी हमें बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर और टाइम्स ड्राइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।